What is is up My my name is Aditya and welcome back to my channel the Indian Algo. Mm -hmm. इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले निफ्टी का नए हो और आपने टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है सो लिंक इज डाउन इन द डिस्क्रिप्शन आप वो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए बिकॉज यहाँ पे मैं लाइव मार्केट अपडेट देता हूँ जैसे हमने प्रीवियस प्री एना में डिस्कस किया था कि मार्केट जो है अगर ए सेशन ठीक है आपने अगर लास्ट सेशन लास्ट एनालिसिस नहीं देखा है तो आप देख लो वीडियो अभी भी अपलोडेड है लॉन्ग वीकेंड के बाद जब मार्केट खुलती है तो मैंने कहा था मार्केट क्या होगी कंसोलिडेट ए एम सेशन में मार्केट ने ए सेशन पूरा कंसोलिडेट किया यहाँ पे और अगर आप यहाँ पे देखोगे उसके बाद फिर हमने कोशिश करी मार्केट को समझने की समझते समझते हमें पता चला कि यहाँ पे मैंने आपको एक फेयर वैल्यू क्या दिया था कि प्राइस अगर इसके ऊपर सस्टेन करेगा तो एक स्पाइक दे सकता है इवेंचुअली प्राइस ने हमें पुश दिया लेकिन हम उस प्रोसेस में ये समझ गए थे कि मार्केट एक हाई रेजिस्टेंस मार्केट कंडीशन में दिखा रहा है मतलब कि अगर ऐसे प्राइस ऊपर गया है तो सीधा वो नीचे भी गिर सकता है और इवेंचुअली वही हुआ आगे जाके इसलिए अगर हम कहीं पे भी इस पोजीशन पे होते हैं तो हम क्या करते हैं पार्शल्स काटते हैं विदाउट अ थॉट इट्स मेन्शंड कट योर पार्शल्स विदाउट अ थॉट सोचो मत इस पॉइंट पे बिकॉज मार्केट क्या करेगी आप देखो ग्रीन दिखाएगी आपको यहाँ पे अच्छा खासा ग्रीन दिखाएगी राइट एंड देन इवेंचुअली सीधा नीचे सीधा नीचे सो यू डोंट वांट टू बी अ अ विक्टिम ऑफ़ बीटिंग मार्केट ऑल राइट उसके बाद अगर हम आते हैं हमारे प्री एनालिसिस पे तो यहाँ पे हम समझने की कोशिश करेंगे कि हमारा नेक्स्ट ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी क्या है स्टार्टिंग फ्रॉम द मंथली टाइम फ्रेम मंथली टाइम फ्रेम क्यों इंपॉर्टेंट हो जाता है पहले हमने डिसाइड किया था कि हम एक्सपेक्ट करेंगे कि प्राइस यहाँ तक आए डेफिनेटली <laughs> यह हमारी एक्सपेक्टेशन थी लेकिन कहीं ना कहीं जब हम वीकली और डेली का ऑर्डर फ्लो देख रहे हैं तो हमें नहीं लग रहा कि प्राइस अभी अभी के अभी मतलब कल परसों में यहाँ आना चाहता है कल परसों में तो पता नहीं लेकिन फोर्थ अक्टूबर के लिए मुझे बहुत ही अच्छा ड्रॉ ऑन लिक्विडिटी दिख रहा है और वो क्या है वो है ये मंथली लो अगर मैं ये मंथली लो मार्क करूं तो हमको क्या मिलती लेवल जो इस मंथ का लो है अब आप बोलोगे कि ये लो क्यों नहीं इसके पीछे भी रीजन है यही लोग यही समझने के लिए आप ये रोज ये प्री एनालिसिस देखते हो अगर आप ये चीज नहीं समझोगे और दिक्कत पता है क्या कि लोगों को चाहिए कि आप मुझे सीधा सीधा बता दो कि कौन सी लेवल से क्या होता है तो मैं क्या करूं वहां पे बाई करूं सेल करूं ये चीजें बता दो लेकिन अभी मैं जब आपको ये डिफरेंस बताऊंगा ना कि इस लो का लिक्विडिटी जाएगा इसका नहीं जाएगा बहुत हाई एक्सपेक्टेशन है इसका जाएगा इसका नहीं जाएगा तो मैं क्या कर सकता हूं मैं क्या एक्सपेक्ट कर सकता हूं मार्केट से चलो वीकली टाइम फ्रेम पे जाते हैं अब इस वीकली टाइम फ्रेम पे अगर आप आओगे ओके okay, एक चीज मैंने मिस कर दी यहाँ पे आपको क्या मार्क करना है मंथली वॉइड मार्क करना है ठीक है मंथली वॉइड आप यहाँ पे मार्क करोगे ये जो गैप बिटवीन बॉडीज है मैंने वो मार्क किया वीकली पे जाओ वीकली पे आप क्या देख सकते हो यहाँ पे वेरी क्लियरली प्राइस ने क्या किया <laughs> एक डाउन मूव दिया और एक अप मूव दिया ये जो वॉइड था यहाँ पे बाइंग सेलिंग नहीं हुई थी अब बाइंग सेलिंग हो गई तो अब मार्केट क्या हो गया इट्स अ बैलेंस प्राइस रेंज नाउ इफ दिस इज अ बैलेंस प्राइस रेंज प्राइस हैज नो पर्पज टू कम डाउन प्राइस के पास कोई पर्पज ही नहीं है कि वो इस लेवल को आके तोड़े या इस लेवल को आके टेस्ट भी करे तो कहीं ना कहीं अगर मैं डेली टाइम फ्रेम पे जाता हूँ तो मेरी सबसे हाई एक्सपेक्टेशन ये है कि प्राइस 19,377 को टेस्ट करके ऊपर उड़ तोड़ के ओके okay? थोड़ा हंट करके कहीं ना कहीं हम इसको भी टेस्ट कर सकते हैं लेकिन इवन आफ्टर टचिंग दिस मंथली वॉइड मैं एक बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन एक्सपेक्ट कर रहा हूँ बहुत स्ट्रॉन्ग रिएक्शन

19,377 ये मेरी बहुत क्लियर एक्सपेक्टेशन है ठीक है बहुत क्लियर एक्सपेक्टेशन है जैसे ही प्राइस 19,377 को टेस्ट करेगा मेरा ऑब्जेक्टिव खत्म शायद हमें ट्रेड करने की ज़रूरत नहीं है उसके बाद लेकिन कहीं ना कहीं कल प्राइस नीचे जाने के बाद एक स्ट्रॉन्ग अप मूव भी देगा सो कल डाउन मूव के बाद एक रिवर्सल भी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं लेकिन क्लैरिटी है, ये 19,377 हंट होना चाहिए और ए गैस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो जरूर इस वीडियो को लाइक कीजिए शेयर दिस वीडियो विद एज मैनी पीपल एज यू कैन कमेंट डाउन एंड लाइक दिस वीडियो थैंक यू सो मच गाइस.